हेलो एंड वेलकम गाइस, आप आ चुके हैं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है गोल्ड लाइट। हमें मिल चुका है हमारा ये जो मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था बोया M1 का माइक, और ये अभी तक आप देख सकते हैं, ये हो सकता है तो मुझे अच्छी कंडीशन में दिख रहा है अभी, तो बाहर से मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसका करते हैं हम डब्बा खोल और देखते हैं कि इसमें क्या है, और इसका अमेजन से ये आया हुआ है तो हम इसे खोलते हैं। अभी इसमें तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो हम इसे करते हैं साइड और हम देखते हैं। ये है हमारा पैकेज जो कि बोया की तरफ से आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बोया की तरफ से ये मिला हुआ है। और इसमें तो ये हमको लग रहा है ये पूरा पेमेंट का ये जो कागज है जो है मेरा एड्रेस है इसमें, और भी इसमें बहुत सारे कुछ लिखे हुए हैं जो कि हम पढ़ना नहीं चाहते, इसको हम एक साइड में करते हैं और हम देखते हैं अपना मेन प्रोडक्ट जिसके लिए हमने इसको बाय किया था। ये पीछे से ही खुला है तो हम आगे से नहीं खोलेंगे, सो जहाँ से खुला है वहीं से इसको बस निकाल लेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है पोया की तरफ से ऐसे कुछ, मतलब ये इसकी पैकिंग तो थोड़ी कोई खास अच्छी लग नहीं रही है। तब इसे डब्बे इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैरी बैग है ये से आप कैरी कर सकते हैं अपने इसको, और ये दिया जाता है ताकि इसमें कुछ जंक वगैरह ना लगे, अच्छे से रहे। और इसके साथ हमको जो है दिया जाता है इसका पॉप फिल्टर वगैरह जो नॉइज कैंसिलेशन के लिए काम आता है। ये पिन है जो शायद अच्छे क्वालिटी का है, मेटल से बना हुआ है, और यह है पॉप इसका पॉप फिल्टर। और यह है इसका बैटरी, आप देख सकते हैं इसमें इसका बैटरी है जिससे कि हम ये इसका मुझे तो पता नहीं कि ये है, ये कुछ तो देते हैं पर मुझे अभी तक पता नहीं कि है क्या, और इसमें लगता है बैटरी। मैं आपको बता दूं ये ऐसे तो खुलता है, मैंने देखा था वीडियो में तो ये ऐसे ही मुझे पता था कि ऐसे ही खुलता है। तो यहाँ पे लगता है बैटरी और नीचे रहेगा, यहाँ पे ये भी बताए हैं कि नीचे रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि नीचे रहेगा तो स्मार्टफोन पे चलेगा, आप ऊपर करेंगे इसे तो ये कैमरा पे सेट हो जाएगा। तो हम इसे कर लेते हैं और अब बचा कुछ है, इसमें तो कुछ है नहीं, जो भी है यही है, तो देखते हैं कि इसका सैंपल क्या होगा। अब आगे से वीडियो जो आएगी इसी पे आएगी, और ये इसमें जो है लगाने के लिए दिया है, ऐसे लगता है ये हो गया। और बस और कुछ नहीं, इसका वायर बहुत बड़ा है और वायर भी ठीक ठाक है, मतलब पता नहीं लोग कहते हैं बड़ा अच्छा वायर होता है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है इसका वायर, और जो है यही है। और ये है पता नहीं क्या है, इससे कुछ लिखा ही नहीं है, लगता है वापस करने के लिए होता है ना वारंटी कार्ड। अच्छा हाँ जी, ये वारंटी कार्ड है, आप इसे देख लीजिए, अगर ये कभी ख़राब वगैरह निकलता है तो आपको बस क्या करना होता है, इसमें अपना नाम एड्रेस वगैरह सब डाल के और इसे वापस कर देना होता है, और कुछ है ही नहीं, बस जो है यही है। सो गाइस, ये है लव लेटर जो कि प्रेम पत्र हिंदी में कहते हैं इसको, ये दिया है बोया के कंपनी ने। अब बस और कुछ नहीं है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अब से जो भी वीडियोस आएंगी आपको इसी माइक से आवाज़ मिल जाएगी, तो आप लोग पहले हमारे पहले का वीडियो देख लीजिएगा और आपका वीडियो देखिएगा क्या कुछ फ़र्क दिखेगा। अगर पहले ही ठीक रहा होगा तो मैं इसे नहीं यूज करूँगा, और भी आगे चल के मैं एक बहुत अच्छा सा माइक बुक करने वाला हूँ जिसकी आवाज़ क्वालिटी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, यूनिक लगी। सो ये वीडियो मैं ऐसे ही बना दिए कि ताकि कुछ ऐसा वैसा हो तो हंस बचने के लिए, और आप लोग के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता।